तो वहीं केंद्रीय बजट पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि बजट बहुत ही शानदार है और सभी ने इसका स्वागत किया है। विपक्ष ये कहकर गुमराह करने की कोशिश कर रहा है कि ये सिर्फ दो राज्यों का बजट है। बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 11,11,111 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय का आवंटन एक दो राज्यों के लिए नहीं है, ये पूरे देश के लिए है। बुनियादी ढांचे से लेकर चिकित्सा, मध्यम वर्ग के लोगों को छूट देना, किसानों को दी जाने वाली सुविधाएं या आदिवासियों को अलग पैकेज देना, ये सब देश के लिए किया गया है। और ये कहना गलत है कि पूरा केंद्रीय बजट एक या दो राज्यों के लिए है। देखिए, राज्यसभा चेयरमैन महोदय ने जो टिप्पणी दी है वो तो सबने सुना है और हम लोग बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी चर्चा करते हैं, तो अंदर में क्या चर्चा किया है मैं वो तो बाहर कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जो हाउस में चेयरमैन ने रिमार्क दिया है वो सबके सामने में है। दूसरा, कल के बजट के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, बजट बहुत शानदार है और सबने स्वागत किया है, लेकिन ऑपोजिशन पार्टी ने मिसलीड करने का कोशिश किया है और कहते कि ये सिर्फ दो राज्य के लिए बजट है। मान लो कि जो 11,11,111 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का एलोकेशन हुआ है, क्या वो एक दो राज्य के लिए, पूरा देश के लिए होता है? इस प्रकार से जो 3 करोड़ अगर आवास बनाना है वो देश का होता है। जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के मेडिकल रिलीफ से लेकर के मिडिल क्लास लोगों को रिलैक्सेशन रिलीफ देने का, या किसानों के लिए जो सुविधा दे रहे हैं, या ट्राइबल्स लोगों को अलग से पैकेज दिया है, कई सारा जो कार्यक्रम हुए हैं वो देश भर का होता है। तो इस तरीके से पूरा यूनियन बजट को एक राज्य दो राज्य का कहना ये बहुत गलत बात है। इसलिए देखिए, ये जो ऑपोजिशन वाला को इस तरह का प्रोटेस्ट करके गुमराह करने का कोई फायदा नहीं है। सदन में चर्चा होगी, आज से बजट का चर्चा शुरू होगी और चर्चा के दौरान अच्छे अच्छे बातें जो भी है या सुझाव देना है वो दे सकते हैं, लेकिन बजट को इस तरीके से समझे बिना, बजट का मेरिट को देखे बिना ऐसे ही बजट को क्रिटिसाइज करना ये ठीक नहीं है। एक